संदीप अरुणिता के हल्द्वानी शो के कुछ बिहाइंड वीडियोस और पिक्चर्स आ चुके हैं। अरुणिता की नजर पवनदीप से हटती नहीं, तो सोचिए वो जब अपने घर कोलकाता गई थी तो अरुणिता का क्या हाल हुआ होगा, अरुणिता ने कैसे खुद को संभाला होगा। तो चलिए अरुणिता काम के साथ साथ कैसे पवनदीप को देखती है हम आपको एक झलक में दिखाते हैं। वायरल वीडियोस में आप देख सकते हैं पवनदीप हल्द्वानी मंच पर अरुणिता कांचीलाल के साथ नजर आ रहे हैं। मंच पर अरुणिता कांचीलाल माइक लेकर खड़ी है और पवनदीप पियानो पर उंगलियां चला रहे हैं। अरुणिता गाना तो गा रही है लेकिन पवनदीप को ही देखे जा रही है, पवनदीप की उंगलियों को नोटिस किए जा रहे हैं, पवनदीप को बहुत गौर से देख रही हैं। सिर्फ एक ही फोटो नहीं बल्कि वीडियो में देखिए कई बार दोनों मंच पर एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, एक दूसरे से बातें भी करते हैं और तो और पवनदीप हाथों के इशारे भी करते हैं। और उस दौरान पवनदीप के चेहरे के स्माइल तो देखिए, ना जाने पवनदीप को क्या मिल जाता है कि चेहरे के स्माइल कुछ और ही बयां कर रही है। माना कि अरुणिता मिल गई है, अरुणिता पास होती है तो उनके चेहरे का नूर भी बदल जाता है, लेकिन पवनदीप अपने हाथों के इशारे अरुणिता को देखकर क्यों कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल मंच के नीचे खड़े फैंस पवनदीप अरुणिता का नाम अरुदीप लेकर बोल रहे थे। जब अरुदीप ने अपनी तारीफ सुनी तो बहुत खुश हुए, उन्होंने खुशी खुशी में अरुणिता की तरफ हंसते हुए जनता को हाथों से इशारे किए। इस दौरान पवनदीप की इस प्यारी से स्माइल पर कितने लोग लट्टू हुए होंगे और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो अरुणिता कांचीलाल का ही है जो कि बस पवनदीप को देखकर मुस्कुराए जा रही हैं, आंखों ही आंखों बातें की जा रही हैं। पवनदीप राजन कल अचानक से चंपावत पहुंच गए और कल पवनदीप को चंपावत पहुंचना जरूरी भी था, उनकी जगह कोई और बेटा भी होता तो शायद यही करता जो पवनदीप ने किया। और पवनदीप तो दुनिया के सभी बेटों में से सबसे अनोखे हैं, वो अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली का जिस तरह से ख्याल ध्यान रखते हैं वो शायद ही कोई करता होगा। जी हाँ, कल फिर से पवनदीप ने साबित कर दिया कि वो अपनी माँ के लिए लाडले तो हैं ही, साथ ही चांद का वो टुकड़ा है जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फैंस को खुशी है कि पवनदीप की मां की वजह से ही उन्हें इतना टैलेंटेड और इतना प्यारा सिंगर मिला है। तो कल पवनदीप अपने माता जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चंपावत पहुंचे थे जहां से कुछ फोटोज आ चुकी हैं। फोटोज ने सभी का दिल जीत लिया, फोटोज देखकर आप तो कमेंट के बिना रह ही नहीं पाएंगे। फोटोज में माँ बेटे का लाड प्यार तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पवनदीप बरसों बाद अपनी माँ से मिल रहे हो, जबकि अभी हफ्ते भर पहले ही पवनदीप अपने घर वालों से मिलकर मुंबई लौटे हैं और फिर से उन्हें शो से टाइम मिला तो अपने घर माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंच चुके हैं। फोटोज में राजन फैमिली का प्यार देखकर हर कोई इनके लिए दुआएं कर रहा और इन्हें शुभकामनाएं भी दे रहा है। पवनदीप अपनी माँ की गोद में बैठे नजर आ रहे हैं, जैसे पवनदीप की माँ ने उन्हें बचपन में अपनी गोद में बैठाला था ठीक वैसे ही पवनदीप की माँ ने फिर से पवनदीप को अपनी गोद में बैठाकर फोटोज क्लिक करवाए, उनका तिलक भी किया और फिर अपना बर्थडे केक काटा। पवनदीप अपने माता पिता के बीच में बैठकर क्यूट पोज देते नजर आ रहे हैं। राजन फैमिली की खुशी को किसी की नजर न लगे और पवनदीप अपने परिवार में खुशियों का वो पिटारा हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है। अब बात करते हैं अरुणिता कांचीलाल की, वो हैं कहाँ? पवनदीप के घर अपनी सास का बर्थडे मनाने कहीं बोवी तो नहीं गई है, हालांकि फोटोज में दिखाई नहीं दे रही है, जानबूझकर उनके फोटोज को क्रॉप कर दिया गया क्योंकि काफी टाइम से अरुणिता को फोटोज में नहीं देखा जा रहा है जबकि अरुणिता पवनदीप के घर में ही होती हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स से बचने के लिए शायद अरुणिता के फोटोज को पोस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फैंस का मानना है, उनका दिल कहता है कि इस बर्थडे पार्टी में अरुणिता भी शामिल हुई होंगी। आपका क्या मानना है सोचकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज असम में बोहाग बिहू का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और असम में तो साल में तीन बार ये त्योहार मनाया ही जाता है। पवनदीप अरुणिता भी इस त्योहार को आज स्पेशल तरीके से मना रहे हैं। पवनदीप अरुणिता ने असम के इस त्योहार की फोटो शेयर की है जिसे देखकर फैंस काफी खुश हुए। पवन अरुणिता हाल ही में असम शो में गए थे और वहाँ इन्होंने खूब एंजॉय किया था, वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ का रीति रिवाज भी देखा था और इन्हें समझ में आया था कि यहाँ का त्योहार होता है। ऐसे में पवनदीप अरुणिता भी असम की फोटो शेयर करके अपने फैंस को शुभकामनाएं दे रहे हैं। फोटो को गौर से देखेंगे तो पवनदीप अरुणिता ने वहां के कुछ कॉस्ट्यूम को पहनकर फोटो क्लिक करवाई है जो कि इन पर खूब सूट कर रही है और आज बिहू के मौके पर यह फोटो वायरल हो रही है। पवन अरुणिता के इस फोटो ने सबका दिल जीत लिया। पवन अरुणिता हर स्टेट के त्योहार को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। तो बिहू के असम के इस त्योहार का मतलब क्या होता है हम आपको इस पोस्ट में बताते हैं। पवन अरुणिता ने इस
त्योहार को असम में जाकर देखा भी होगा और असम के कुछ रिवाजों को पहचाना भी होगा। बोहाग बिहू को रंगोली बिहू या हाट बिहू के नाम से भी जाना जाता है। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। एक साल में असमिया समुदाय 3 बिहू का पर्व मनाते हैं। ये तीनों बिहू किसानों और फसलों के आधार पर मनाई जाती है। बिहू फसलों का त्योहार है और किसानों को समर्पित होता है। में पहला बिहू जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है, जिसे भोगाली बिहू या माघ बिहू कहा जाता है। ये खेती में कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बाद अप्रैल के मध्य में बोहाग बिहू या रंगोली बिहू मनाया जाता है। इस वक्त किसान अपने नए फसल लगाते हैं। इसके बाद साल के आखिर में यानी अक्टूबर के मध्य में कंगाली या काती बिहू मनाया जाता है। ये खेती में बुआई का वक्त होता है। फिलहाल 14 अप्रैल को बोहाग बिहू मनाया जा रहा है, तो आमतौर पर अप्रैल में पड़ता है। ये असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये बिहू असम के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस मौके पर किसान फसल की कटाई करते हैं। ये किसानों के लिए खेती में भी रोपड़ के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। 14 अप्रैल से शुरू होने वाला ये त्योहार 7 दिनों तक चलता है। अब पवनदीप अरुणिता की इस फोटो पर लोग उन्हें भी इस त्योहार की बधाइयां दे रहे हैं। पवनदीप अरुणिता ने भी असम में इस त्योहार के बारे में बहुत कुछ देखा होगा, जाना होगा और वहाँ के लोगों को पहचाना भी होगा। अरुदीप ने हल्द्वानी में धुआंधार परफॉर्मेंस दे दी, जिसे एक ही वीडियो में बताना और दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पवनदीप अरुणिता के इतने ढेर सारे फोटोज और वीडियोस हैं कि उन्हें एक ही वीडियो में दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ अमेजिंग पल आपको दिखाते हैं जिसमें अरुदीप ने जनता का दिल जीत लिया। हल्द्वानी में दीवालों से भी अरुदीप की आवाजें आ रही थी। आखिरकार काफी दिनों बाद जब पवनदीप अरुणिता मंच पर परफॉर्मेंस करने गए तो जोश और ताजगी तो साफ दिख रही थी। फैंस ने इस पल को खूब एंजॉय किया। कुछ ऐसा हुआ कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मंच नहीं बल्कि पवनदीप की जन्मभूमि थी। तो पवनदीप अपने घर में बैठकर गाना गा रहे थे सुकून से, ऐसा लग रहा था। पवनदीप और भी स्टेट्स में परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, लेकिन इतने सुकून से इतनी आराम से हर पल को एंजॉय करते उन्हें कभी नहीं देखा जाता जितना वो उत्तराखंड में दिखते हैं। और होना भी चाहिए, अपना घर अपना ही घर होता है। और खास बात, पवनदीप को देखकर अरुणिता कांच लाल भी उन्हीं में मिलने लगी हैं। अरुणिता भी वही करने लगी हैं जो पवनदीप को पसंद है। जी हाँ, उत्तराखंड की जनता में इतनी घुल गई है कि उनके पसंदीदा सॉन्ग गाने लगी। अरुणिता कांची लाल ने तो कल वाली परफॉर्मेंस में कमाल कर दिया। अरुणिता कांची लाल को लोग भूल नहीं पा रहे, उनकी वीडियोस को बार बार देख रहे हैं। अरुणिता कांची लाल ने हल्द्वानी मंच पर मेरी प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ो गाने गाकर वो धमाका दिया कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरुणिता के मुंह से गाना सुनकर हर कोई इमोशनल भी हो गया। ये गाना उत्तराखंड का फोक सॉन्ग है, जैसे हर स्टेट का कोई ना कोई सॉन्ग होता है, ऐसे ही ये गाना उत्तराखंड का खास गाना है। और ये गाना एक तरह से उत्तराखंड की परंपरा, उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है। जब वहाँ की भूमि पर किसी दूसरे स्टेट के सिंगर ये गाना गाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। वैसे तो पवनदीप भी गाते, लेकिन कल कोलकाता की क्वीन अरुणिता ने उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया। अरुणिता कांचीलाल जब ये गाना गा रही थी तो लोग देखते रह गए, और खास बात, पवनदीप तो बहुत खुश हुए। पवनदीप ने खुशी खुशी में क्या क्या कर डाला वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। तब तक के लिए आप अरुणिता की तारीफ में क्या कहेंगे और उनके मुंह से ये गाना सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।